हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? जो है तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हमारा क्या है, हम जो है निकल रहे हैं बनारस के लिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे मीटिंग है और हमारा साइकिल मीटिंग 2 दिन तक चलेगा, तो 24-25 वहाँ पे जो है मीटिंग चल रहा है। तो चलिए अभी आज हम निकलते हैं और यहाँ से सबसे पहले चलते हैं फैज़ाबाद, क्योंकि फैज़ाबाद से हमारी वहाँ पर ट्रेन है। तो चलिए फैज़ाबाद के लिए निकलते, फिर वहाँ से निकलेंगे बनारस के लिए। तो फाइनली दोस्तों, जो है मैं बांसी से निकल चुका हूँ बस्ती के लिए और हमारी जो बस है चलती हुई जा रही है, और बस्ती पहुंच के वहां पे हम जो है फैजाबाद के लिए जो दूसरी बस पकड़ेंगे। तो दोस्तों, हमारी बस जो है मस्ती में चलते हुए जो है बस्ती की तरफ जा रही है। हमारी बस जो है मस्ती से बस्ती की तरफ जा रही है, क्या बात है। तो दोस्तों, बस्ती में जो है बस से उतरने के बाद जो है मुझे एक कार में लिफ्ट मिल गई है। ये स्विफ्ट कार है और संजोग से देखा जाए तो ये कार भी बांसी का। तो गाइस, आराम से जो है गाड़ी में जो है जा रहे हैं। बस में काफ़ी गर्मी लग रही थी, यहाँ पे जो है एसी चल रहा है, तो काफ़ी जो है ठंडक का जो है माहौल है और गर्मी से जो है निजात मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है गाड़ी में। भाई साहब ने जो है पेट लिफ्ट दिया है, तो चलिए उतना किराया मुझे बस से भी लगता है और यहाँ पे तो आराम भी है, जल्दी पहुँच भी जाएंगे, थोड़ा सा किराया ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों हम जो है अयोध्या पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए सरयू नदी है जो काफ़ी उफान पर है। तो चलिए दोस्तों, फैज़ाबाद पहुँच के जो है आप लोगों से फिर बात करते हैं। दोस्तों, वहाँ बस्ती में जो है मैं पहले बस में बैठा था, लेकिन जो है बस वाला बहुत लेट लगा रहा था, तो संयोग से बांसी के एक भाई साहब आए जो है डिजायर कार से, तो उससे लिफ्ट मिल गया। वैसे भाई साहब को मैंने किराया भी दिया, ऐसा नहीं है कि फ्री में लेके आए हैं, तो बहुत ही जल्दी मुझे पहुँचा दिया। 1 घंटे में जो है यहाँ मुझे फैज़ाबाद पहुँचा दिया बाईपास से। अब यहाँ से मैं कोई ऑटो करके जो है रेलवे स्टेशन चलता हूँ, क्योंकि अभी 1:30 बज रहा है, टाइम भी हो गया है, तो अभी स्टेशन हमारी ट्रेन लगभग 2:15 बजे आ जाएगी, मैंने स्टेटस देखा उसका। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी स्टेशन पे और रास्ते का जो भी दिखाते हैं आपको चलते हैं। तो फाइनली गाइस, मुझे एक जो है ई रिक्शा मिल गया है और मैं इस ई रिक्शा में बैठ के जो है स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, इसलिए जो है यहाँ पे पैसेंजर भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला बैठा हूँ। तो देखिए, हो सकता है अगर आगे कोई पैसेंजर मिलता है तो ये ज़रूर बैठाएगा। तो चलते हुए दोस्तों जो है यहाँ पे देखिए पैसेंजर जो है आ गए हैं, भाई साहब अंकल जी हैं, और अब ये बैठ गए हैं और हमारा रिक्शा जो आगे की तरफ चल। चलिए चलते जाइए पंकज जी। तो चलते हुए जो है अभी हम रेलवे स्टेशन थोड़ी देर पहुंच जाएंगे। ये हम कॉइन रखे हैं किराया देने के लिए भाई साहब को। चलिए, हाय दोस्तों, एक प्रॉब्लम आ गई है, और प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो है तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए हम जो है इस बनारस की जो जर्नी है उसको जो है बीच में ही पोस्टपोन कर दिया हूँ और घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। मेरी तबीयत जो है सुबह से नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन मीटिंग का जो प्रेशर था, मजबूरी थी मेरा जाना, लेकिन फैज़ाबाद आते आते तक जो है मेरा एकदम जो है हिम्मत टूट गया और मैं जो है फाइनली रिटर्न जाने का फैसला किया हूँ। और दोस्तों, मुझे बस भी मिल गई है जो है बांसी जाने के लिए, तो इस बस से जो है मैं बस्ती तक जाऊँगा। और ये भी बस जो है काफ़ी खाली है, यहाँ पर पैसेंजर नहीं है। जो मैं वादा किया था आपको जो है बनारस की जर्नी दिखाने का, पूरा बनारस पहुंच के जो है वहाँ का वीडियो बनाने का, ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगा, आप लोगों को जो है वीडियो दिखाऊँगा। तब तक के लिए जो है क्षमा करिएगा इस बार, क्योंकि तबीयत ना सही होने के कारण मुझे जो है रिटर्न फिर से घर जाना पड़ रहा है, और मीटिंग का प्रेशर तो अलग से ही आएगा, अभी जो है कंपनी का प्रेशर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं कच्ची गली खा रहा हूँ और सुबह से जो है वैसा ब्रेकफास्ट ही किया था, और दोपहर के 12 बज रहे हैं,
तो इस गर्मी के मौसम में जो है एक कच्ची करी काफ़ी राहत दे रहा है, ठंडा है और प्रोटीन से भी भरा हुआ है। कच्ची करी जो है खाना काफ़ी सेहतमंद होता है। यहाँ पे देखिए ओवरब्रिज, बस हमारी जो है रुकी हुई है आके यहाँ पे। तो दोस्तों हम जो है फाइनली बड़ेपन पहुंच गए हैं बस्ती रिटर्न, और यहाँ पे जो है बांसी जाने के लिए एक और बस लगी हुई है, प्राइवेट बस है, तो उसमें चलिए बैठते हैं, देखते हैं अंदर का क्या हाल है। देखिए अंदर आके बैठ गए और पूरी की पूरी बस जो है खाली है। यहाँ पे जो है कोई पैसेंजर नहीं दिख रहा है, एक दो तो पैसेंजर को छोड़ करके जो है पूरी बस खाली है। हमारे पीछे तो सिर्फ एक ही पैसेंजर बैठे हैं और आगे दो तीन पैसेंजर बैठे हैं, तो हमको लग रहा है बस अभी थोड़ी देर और रुकेगी, क्योंकि जब पैसेंजर आ जाएंगे सारे और बस एक लिमिट जो होता है इनका उतना पैसेंजर बैठा लेंगे तभी चलेंगे। तो दोस्तों तब तक तो मुझे जो है बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा पैसेंजर के आने का, क्योंकि ये बस जो है लगभग लगभग पूरी तरह खाली पड़ी है। तो देखते हैं कब तक जो है पैसेंजर आते हैं और बस जो है फिर से चलती है बांसी की तरफ। हमको लग रहा जो है 3-4 बज जाएंगे जो है, अभी यहाँ पे लगभग 1:30 बज रहे हैं रिटर्निंग में, तो बैठे बैठे इंतज़ार करना पड़ेगा और लगभग यहाँ से बांसी जो है 1.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो चलिए दोस्तों बांसी पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं। गाइज यहाँ पे जो हमारी बस जा रही थी, और यहाँ पे देखिए परेड चल रहा है, हम 15 अगस्त का ये परेड चल रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा जो है बच्चे। कॉलेज के बच्चे लग रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी आज की यात्रा क्या कहें, कंप्लीट नहीं हुई, अधूरी ही रहेगी। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं नए ब्लॉग में।